जी अस्सलाम वालेकुम। अब रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास बहुत से वेज़ हैं रिएक्ट को यूज़ करने के लिए। सबसे पहला जो वे है वो है हम CDN की मदद से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको अपना कोड एडिटर दिखाऊं और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू दिखाऊं, तो ये भी मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से बनी हुई है। अब देखो इसके अंदर मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसमें यहाँ पर हेलो बाबर लिखता हूँ तो हेलो बाबर प्रिंट हो जाएगा, एक हेलो बाबर प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या है, ये दो CDN यूज़ हो रहे हैं, एक हमारे पास रिएक्ट का और दूसरा हमारे पास रिएक्ट डोम का, और जो थर्ड है हमारे पास बैबल का जो CDN है वो यूज़ हो रहा है। सिंपली जस्ट आप ये तीन फाइल इंक्लूड कर दोगे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल रही होगी, आपसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको CDN भी बताता हूँ आपने कहाँ से लेनी है। आप W3 स्कूल से जाके भी ले सकते हो और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, यहाँ से जाके भी आप ये दोनों लगा सकते हो, ये दोनों CDN लगा सकते हो। साथ में आप बैबल का CDN फाइंड करोगे वो भी आपको मिल जाएगा, या W3 स्कूल पर डायरेक्ट जाओगे तो वहाँ पे आपके पास इसका कंप्लीट CDN आ रहा होगा। ये नीचे डिस्क्रिप्शन वाली फाइल डाउनलोड करके आप यूज़ कर लो, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है। आप इसके जरिए यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट सीख सकते हो, रिएक्ट के कंपोनेंट हर चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन ये रिएक्ट सीखने का बेस्ट मेथड नहीं है। तो सबसे पहले ये एक ये एक तरह से हमने यूज़ करना सीख लिया। अब सेकंड जो इसका बेस्ट वे है वो ये हमारे पास है कि आप इस वेबसाइट पे आ जाओ, कोड सैंडबॉक्स। आप जो हमारे पास कोड पेन है उस पर भी जा सकते हो, लेकिन ये कोड सैंडबॉक्स पे ऊपर आ जाओ और यहाँ पे रिएक्ट लिखा है, जावास्क्रिप्ट लिखा है, वीयू, आपने करना काम रिएक्ट में, इसके ऊपर करो क्लिक। आपने अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेना है, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो काम है वो सेव रहेगा। अच्छा, ये भी हमारे पास ओपन हो जाता है। तो इसमें आपकी जितनी भी फाइलें होती हैं वो सारी मौजूद हैं रिएक्ट की, और आप इसी के ऊपर रिएक्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये ठीक मेथड है, ये बेस्ट है, ये नहीं अगर आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स हमने जो रिएक्ट है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है, तो वो मेथड भी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। या अब इसकी आपको तकरीबन सारी जो फाइल्स हैं वो भी आपको मिलेंगी। ये आपके पास आ रहा है app.js, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करो और टेम्पलेट्स, और ये आपके पास फाइल्स आ रही हैं। फाइल्स में आपके पास पब्लिक में index.html और src में app.js, index.js, tiles.css, और यकीन जाने यही फाइलें होती हैं जो रिएक्ट में काम करने के लिए, और package.json होती है। ये जब भी आप अभी हम रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे ना अपने कंप्यूटर में तब आपको पता चलेगा, लेकिन आप इसके अंदर कंप्लीट रिएक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, रिएक्ट की ऐप्स बना सकते हो। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि जब आप एज अ टीम काम कर रहे होगे तो आप अपना जो लिंक है वो दूसरे किसी दोस्त को शेयर कर सकते हो और ग्रुप में आप काम कर सकते हो। लेकिन ये आपके सीखने के लिए बेस्ट मेथड नहीं, मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, आप काम कर सकते हो अगर आपके पास 24 आवर्स इंटरनेट मौजूद है तो ठीक है, लेकिन आपने अपने कंप्यूटर में जो रिएक्ट है उसको इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अभी आपके पास ये भी आ गया, आप इसमें आप अपने यहाँ हेलो वर्ड प्रिंट करवाना चाहो, जो मर्जी प्रिंट करवाना चाहो वो आप करवा सकते हो। ये भी आप देख लो सेम उसी तरह से जो रेंडर मेथड है वो यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना, एक प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, ये गेट बैश का। आप गूगल पे लिखोगे ना गेट बैश तो आप ये आपके पास आ जाएगा। आपको ये लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा डाउनलोड वाला। यहाँ पर आपने क्लिक करना है डाउनलोड फॉर विंडोज़, इसे आप क्लिक करोगे आपके पास एक प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा, उसे आप निकाल लेना इंस्टॉल। उसके इंस्टॉल करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप जब यानी कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो ना, CMD यूज़ करते हो, तो आपका CMD का शॉर्टकट समय बन जाता है। मिसाल के तौर पर मुझे इस प्रोजेक्ट जो ये फोल्डर है इसको एक्सेस करना CMD की मदद से, तो मैं इसे किस तरह से करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पर CMD लिखूँगा CMD, और मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी जी ड्राइव में जाऊँगा। जी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे मैं CD लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी फोल्डर हैं उनको देखो, ऑल प्रीवियस और रिएक्ट ऐप। या रिएक्ट ऐप आ गया, जब आपको ज़्यादा फोल्डर होंगे तब आपको ज़्यादा दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा। अब ये रिएक्ट ऐप आ गया, इसको क्लिक करूँगा तो इस फोल्डर के अंदर मुझे एक्सेस मिल गई। अब गेट बैश क्या करेगा कि जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, आप राइट क्लिक करोगे तो आपके ऊपर यहाँ पर गेट ये GUI हेयर गेट बैश हेयर, तो आपको ये गेट बैश हेयर जो है ये आ जाएगा। आप इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे गेट बैश हेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इसका सेम URL बन जाएगा। आपको CMD में जाके नहीं लिखना पड़ेगा CD एटसेट्रा और इस तरह से, आपको कोई कमांड नहीं देनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली इस फोल्डर में आ जाओगे, इस फोल्डर की आपको एक्सेस मिल जाएगी। अब इस फोल्डर के अंदर आप जो करना चाहो, आप रिएक्ट को इंस्टॉल करना चाहो, आपको डायरेक्टरी बनाना चाहो, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहो आप इसके ज़रिए कर सकते हो।
तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके जितने भी अब टूल्स हैं वो आपके रेडी हो चुके हैं। मैं अब आपको रिएक्ट यूज़ करने के दो मेथड बता दिए, एक आपको बता दिया CDN की मदद से, एक आपको बता दिया ऑनलाइन कोड, जो हमारे पास ये वेबसाइट है हमारे पास आई थिंक कोड सैंडबॉक्स आई थिंक उसका नाम था, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, ये आ रहा हाँ कोड सैंडबॉक्स, तो इसके ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब दो मेथड हो गए, अब हमारे पास थर्ड जो बेस्ट मेथड है जो हमने यूज़ करना है, जिसके ऊपर हमने अच्छी तरह से गिरफ्त हासिल करनी है और लर्निंग के लिए बेस्ट मेथड यही है। उसके लिए सबसे पहले आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हूँ जिसमें मैंने आपको Node.js और विजुअल कोड स्टूडियो इंस्टॉल करना सिखाया था। आपके ऑलरेडी जो Node.js है वो भी इंस्टॉल हो, VS कोड जो है वो भी आपका इंस्टॉल हो। अब आपने आ जाना अपने फोल्डर्स में। अब आपने मिसाल के तौर पर अगर आप यूज़ कर रहे हो ये वाला, यानी ये मेरे पास जी और ये रिएक्ट ऐप, आपने कोई भी फोल्डर बना लेना सॉरी किसी आप अगर यानी अगर बनाते हो आप डेस्कटॉप पर तब भी ठीक है, अगर आप किसी डायरेक्टरी में बनाते हो तब भी ठीक है। मैं इसको एक पार्टीशन में बना रहा हूँ एक डायरेक्टरी में बना रहा हूँ। तो ये मैंने रिएक्ट ऐप का फोल्डर बनाया, ये बिल्कुल एम्प्टी फोल्डर है। आप इस पर राइट क्लिक करके और लिखो यहाँ पर गिट बैश शेयर कर दो, बेशक इसे इस तरह से कर लो, बेशक आप यहाँ पे CMD यूज़ कर लो। मैं दोनों मेथड आपको बताऊँगा, CMD दोनों आपको मेथड यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट जो मेथड है उसको आपने सिंपली उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपने अपना यहाँ पे फोल्डर एक्सेस कर लेना और बेहतर आप गेट बैश यूज़ करो, क्योंकि हर किसी को जो यानी कमांड्स हैं वो नहीं याद की होती, मुझे भी यानी कमांड जो है ना याद करने में बड़ी मुश्किल होती थी, तो जो न्यू है उनके लिए मुश्किल होगी। तो आपने सिंपली ये आपके पास एक कमांड है वो आपने लिख देनी है। यहाँ पे आप आओगे यानी CMD में, तो यहाँ पे आप सब पहले जी को एक्सेस करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे CD लिख कर अपने सारे फोल्डर जो है उनको एक्सेस करोगे। आप यहाँ पे रिएक्ट ऐप उस फोल्डर का हमने एक्सेस कर लिया, अब ये रिएक्ट जो ऐप है भी हमारे पास एक्सेस हो गया और यहाँ पे हमने सिंपली इस फोल्डर के अंदर आके राइट क्लिक किया और हमारे पास ये जो फोल्डर है वो एक्सेस हो गया। आप दोनों के कितने बेहतरीन शॉर्टकट्स हैं, इसके ऊपर जस्ट आपने राइट क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने ये सारी कमांड्स लिखनी है। अब इसके ऊपर चाहे आप इसके ऊपर लिख लो और चाहे ये जो CMD उसके ऊपर लिख लो, आपने ये कमांड लिखनी है कि npm और उसके बाद इंस्टॉल -g और क्रिएट रिएक्ट ऐप। स्पेलिंग आपके ठीक होनी चाहिए, कमांड जो लिखी हुई है ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो, रिएक्ट और डैश ऐप। अब इस जो ये हमारे पास है ये जो कमांड है, चाहे आप इसको गिट बैश में लिख दो, चाहे आप इसको लिख दो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में, नो मैटर जिसमें मर्जी आप लिखना चाहो। इसको लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना। अब ये आपके बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड इसको ये इंस्टॉल करेगा। अब ये आपके रिएक्ट ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही, ये आपका रिएक्ट ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है आपके कंप्यूटर पे, आपके सिस्टम पे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी रिएक्ट को यूज़ कर सकते हो और ये आपने इसे करना है, यानी ये आपने कमांड देनी। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा इंस्टॉल करने पे, बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड, बेस्ड ऑन PC की परफॉर्मेंस। तो जब तक ये होता तब तक मैं वीडियो कर लेता हूँ पोज जी। तो ये देखिए आप हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया, इसमें हमारे पास आपको ये कमांड आ जाएगी अपडेट पैकेज इन 32, या मेरे पास अपडेट हुआ है। क्यों अपडेट हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने सिंपली जब इसको करोगे तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे पैकेज आ जाएगा। तो ये आप अगर आप किसी भी कमांड को इंटर करते हो और आपके पास एरर आ जाता है तब उसे आप दोबारा लिखोगे, आपकी मे बी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आपके इंटरनेट का इशू होगा। लेकिन अगर आपका इशू नहीं आता और वहाँ पे आपकी कमांड रुक जाती है इंटर प्रेस करने के बाद, इसका मतलब है आपकी कमांड सही काम कर रही है, उसको थोड़े से इंटरनेट की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसे टाइम दो। बेशक आप 2 मिनट के लिए यानी कोई भी आप और एक्टिविटी करना चाहते हो कर लो, आपके 1-2 मिनट लगेंगे और ये आपके पास जो रिएक्ट है ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको आपने चेक किस तरह से करना है, चेक करने के लिए आप सेम इसी तरह से आप इसके ऊपर आओ और इसी फोल्डर के अंदर और यहाँ पे करो गेट बैश शेयर, इसके ऊपर कर लो या सिंपली आप ये जो CMD इसके ऊपर कर लो, जिसके ऊपर मर्जी करना चाहो। और यहाँ पे आपके पास एक और यानी कमांड है, उसे आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इसके ऊपर आओगे और यहाँ पे लिखोगे क्रिएट डैश रिएक्ट, जिस नाम से आपने उसको बनाया था क्रिएट डैश रिएक्ट, आपने इन्हीं नाम से बनाना है ऐप और उसके बाद -- वर्जन। स्पेलिंग आपके बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आपके पास वर्जन आ जाएगा इसका वर्जन और इसके ऊपर करना आपने क्लिक। तो जो वर्जन आपका इंस्टॉल हुआ, मेरे पास कौन सा इसका वर्जन इंस्टॉल हुआ है 4.0.3 मतलब 4.0.3, ये मेरे पास वर्जन इंस्टॉल हुआ। अब आपका जो रिएक्ट है
वो ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है, अब आपको उसमें कोई भी किसी किस्म की जो है चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास एक और कमांड रहेगी जिसके ज़रिए आपने अब रिएक्ट को एक्चुअल इंस्टॉल करना है, वो भी आप सेम उस तरह से आप इस फोल्डर में आके चाहे आप इस के अंदर लिख दो, यानी आप यहाँ भी लिख सकते हो क्रिएट और डैश रिएक्ट और डैश ऐप, उसके बाद आपने फोल्डर का नाम देना है जिस फोल्डर में आप उसको स्टोर करवाना चाहते हो। आप माई ऐप कर दो, आप अपना नाम दे दो, जो मर्जी आप देना चाहो उस फोल्डर को आप नाम दे सकते हो और उस फोल्डर में आपकी फाइल्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। तो मैं चाहे मैं इसको यूज़ कर लूँ चाहे मैं इसको यूज़ कर लूँ, यानी जो हमारे पास मौजूद है, तो मैं इसी ये जो गेट बैश है इसी के ऊपर ये काम करूँगा, क्योंकि गेट बैश हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है इसमें, क्योंकि ये एक हमारे पास शॉर्टकट बन जाता है और ये टूल उन्होंने हमारे हेल्प के लिए बनाए हैं। तो जो टूल आपके हेल्प के लिए हैं, जो आपका टाइम बचाते हैं, आपने उनको यूज़ करना है। आपने स्मार्ट कोडर बनना है, ना कि आपने हार्ड कोडर बनना है। हार्ड कोडर आप वक्त यानी वक्त के साथ साथ बन जाते हो, लेकिन अभी आपने स्मार्ट कोडर बनना ताकि आप कोडिंग को क्विक करो और जो टूल्स लोगों ने बनाए हैं ऑलरेडी उन्होंने मेहनत की है उन टूल्स से फ़ायदा उठाया जाए। उन्होंने इसलिए बनाए थे कि हम ये जो कमांड्स हैं उनसे बचे रहें, बट आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। अगर आप यानी कमेंट सेक्शन में बताओगे तो आपके ऊपर मैं CMD के ऊपर कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा। अच्छा, इसके ऊपर आप यहाँ पे आप लिखना है रिएक्ट और डैश सॉरी क्रिएट डैश रिएक्ट और उसके बाद डैश ऐप, उसके बाद आपने फोल्डर का नाम देना जिस फोल्डर के अंदर आप रिएक्ट की ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं इसे दूंगा माई ऐप, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो, वाट एवर जो भी आप देना चाहो इसको दे सकते हो, और उसके बाद आपने कर देना इंटर पे क्लिक। अब आपने सिर्फ 30 सेकंड देखना है, अगर तो ये आपकी कमांड एरर आ जाती है तो इसका मतलब आप इसे दोबारा लिखो, लेकिन अगर एरर नहीं आता और ये फोल्डर बनने स्टार्ट हो जाते हैं इसका मतलब आपकी जो रिएक्ट ऐप है वो बिल्कुल सही चल रही है और इसे आपने इंस्टॉल होने देना है। या आप क्रिएट या न्यू रिएक्ट ऐप आपके पास ये आ गया, अब ये देखो जैसे क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप हुआ तो ये सेम वो फोल्डर बन गया। आप यहाँ पर किसी और फोल्डर का नाम देते तो वो फोल्डर बन जाना था। अभी आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपका 5 मिनट भी ले सकता है, 10 मिनट भी ले सकता है, 15 मिनट भी ले सकता है, आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर और आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। ये तकरीबन बढ़ता है 350 MB की यानी बनता है फोल्डर ऑलमोस्ट, यानी इससे कम भी होता है लेकिन यानी आप मैक्सिमम 350 MB, आपके 350 MB डाउनलोड होने और उन्होंने होना है इंस्टॉल। इसमें पैकेजेस होंगे, रिएक्ट डॉम होंगे और बहुत सी फाइल्स होंगी जो मैं आपको फर्दर बताऊंगा भी। तो जब तक ये होता है मैं वीडियो को पोज करता हूं, जैसे ये कंप्लीट होता है तो फिर मैं वीडियो को आगे रेज्यूम करता हूं। जी तो ये मेरे पास रिएक्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इसमें ना काफ़ी इसका यानी टाइम लगा, मेरा कंप्यूटर जो है वो भी इतना ज़्यादा यानी हैवी नहीं है, नॉर्मल सा है, तो मेरे ऊपर इसको लग गया तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो आपके ऊपर ज़्यादा आपके पास ज़्यादा टाइम लग सकता है, ये ना बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड भी मैटर करता है। अब ये जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ सुबह के वक्त, तो यहाँ इस वक्त थोड़ी सी नेट की स्पीड भी ठीक होती है, फिर भी इसने मेरे पास 15 से 20 मिनट ले लिए हैं। आपके पास ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, तो इसी चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको चल देना ना, जो मर्जी एरर दे जो मर्जी करता रहे, आप जो मैंने आपको जितने भी प्रीवियस स्टेप्स बताए उन सबको आपने फॉलो करते रहना, दैट्स इट। और जैसे जैसे यानी ये कोई भी एरर आपको चाहे आपको ये बोले कि एरर शो हो रहा है जो मर्जी बोले, आपने इसे नहीं छेड़ना, लास्ट पे आपके पास ये एक आ जाएगा, ये आ जाएगा CD माई ऐप और उसके बाद NPM स्टार्ट और उसके बाद आपके पास हैप्पी हैकिंग आ जाएगा। तो जब आपके पास ये वाला मैसेज आ जाएगा ना हैप्पी हैकिंग तक, तो इसका मतलब है आपके पास जो रिएक्ट है वो अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। चाहे आपका इसमें आधा घंटा लग जाए आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एक दफ़ा जब आपने इस फोल्डर को इंस्टॉल कर लिया तो इसे आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर हमने एक दफ़ा रिएक्ट ऐप यूज़ कर ली है, अब जब तक इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं आता तब तक हम इसी को यूज़ कर सकते हैं, इस फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट करके इस फोल्डर का नाम चेंज करके न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और इसको यूज़ करने के एक और भी बेस्ट मेथड वे ये है कि इन फाइल्स ये जो मेरे पास फोल्डर है इस फोल्डर को मैं ड्राइव पे रख दूँ, आप इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में यूज़ कर लो, तो वो भी हो सकता है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में ज़्यादा इशू, अगर किसी 2-3 लोगों ने भी कमेंट कर दिया तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अपडेट करके इस फोल्डर को मैं zip फाइल में रख दूंगा, ड्राइव पे आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोग वीडियो बाद में देखेंगे तो वो आप यानी ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद से इंस्टॉल करो क्योंकि आपके पास लेटेस्ट वर्जन आएगा। अब ये हमारे पास आ गया, अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वर्जन चेक करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास रिएक्ट का वर्जन आ जाएगा।
तो उसके बाद आप ये वापस क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब इसका जो बेस्ट मेथड है ना इसको स्टार्ट करने का, वो ये है कि आप सिंपली इस फोल्डर के अंदर आओ और इसके ऊपर यहाँ पे गेट बैश शेयर कर दो, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे कि आपने शॉर्टकट कोड किस तरह से करना है। और उसके अलावा क्या है कि आप यहाँ पे CMD पे आओ, जो कि आपको हर वीडियो में ऐसा मिलेगा कि आपको CMD में सिखा रहे होंगे। तो मैं आपको दोनों मेथड जो बता रहा हूँ, आप इस पर आओगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पे जी, और जी के बाद यहाँ पे CD फोल्डर डायरेक्टरी। हमारे पास ये जो है रिएक्ट ऐप, इसको क्लिक किया, उसके बाद CD और हमारे पास माई ऐप, इसके अंदर आ गए। अब इसमें हम डायरेक्टली माई ऐप के अंदर आ गए। इसमें अब हम लिखेंगे NPM नोड पैकेज मैनेजर, और इसको आप करेंगे स्टार्ट। और यहाँ पे भी हम सेम ये चीज़ लिखेंगे, अगर यहाँ पे आप करोगे यहाँ पे भी आप सेम लिखोगे NPM स्टार्ट। और आप चाहे इसके ऊपर आप इंटर प्रेस कर दो, चाहे इसके ऊपर इंटर प्रेस कर दो। तो मैं आपको CMD के ऊपर इंटर प्रेस कर देता हूँ, ताकि जो नॉर्मल वे यूज़ करते हैं वो आपके पास आ जाए। क्लिक किया, अब आपके पास ये एक या 1.5 मिनट आपके पास लेगा, और आपके पास एक न्यू विंडो ओपन कर देगा। ये मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ, ये देखिए अब मेरे पास ये ब्राउज़र है, अब इनमें ये विंडो ओपन करेगा। मेरे पास एक और भी यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे भी कर सकता है, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़, बल्कि बस उसी में उसने ओपन कर दी थी, मैं इसे दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि ये किसी में भी कर सकता है, तो मैं इसको इसके अंदर भी कर देता हूँ। ये मेरे पास है, और ये कहाँ पे गया इसकी कमांड, ये आ गई NPM स्टार्ट, इसको एक बार क्लिक करता हूँ, ये दोबारा इसको ओपन कर देगा। अब इसको इस ब्राउज़र में ओपन करेगा, क्योंकि बाकी सारे टैब्स भी मेरे पास क्लोज है, बाकी और कोई विंडो हमारे पास ओपन नहीं है। समथिंग इज़ ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 3000, तो मैं इसको यहाँ पे दोनों को कर देता हूँ क्लोज़ एक दफ़ा, और CMD को भी एक दफ़ा कर देता हूँ क्लोज़। इसको क्लोज़ करने के लिए हम कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका भी मैं नहीं कर रहा, मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा। और यहाँ पे आया, और यहाँ पे गेट बैश शेयर। अब जब आप CMD क्लोज कर दोगे, तब आपके पास ये भी क्लोज हो जाएगा, ये आ गया। और इसके ऊपर आप लिखोगे NPM स्टार्ट, अब ये रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, अब ये हमारे पास विंडो ओपन करेगा, स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर। तो ये आपके पास रिएक्ट ऐप का ये एक फोल्डर ओपन, आपके पास इसका जो इंडेक्स पेज है वो ओपन कर देगा। इसमें आपके पास क्या आ रहा है, लोकल होस्ट 3000, जो आपके पास ऑलरेडी सर्वर इंस्टॉल यानी आपको शो कर रहा था। अब यहाँ पे आपका क्या है कि रिएक्ट ऐप कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ तक आपने इस जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसको आपने इसी तरह से फॉलो करना है। जहाँ पे आपको कोई इशू हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप वीडियो को यानी बैक करके फिर देख सकते हो। अब ये मैंने जितने भी आपको मेथड बताए थे, ये बेस्ट मेथड है आपके रिएक्ट ऐप को बनाने के लिए। अब इसका जो फोल्डर है वो मैं करता हूँ कोड एडिटर में ओपन। तो यहाँ पे मैं न्यू विंडो ओपन करूँगा, अब प्रीवियस हमने यूज़ नहीं करनी, और इसको मैं कर दूँगा क्लोज़। अब न्यू विंडो में आपके पास जब यानी आओगे आप VS कोड में, आपके पास इस तरह की विंडो आएगी। आपने यहाँ पे वेलकम मैसेज को आप डिलीट करना चाहो तो आप भी ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगर कोई ऑप्शन आ रहा हो इसके आप इसको आप यानी दोबारा दोबारा ना देखना चाहो तो, लेकिन मैं तो इसे ऐसे ही रखता हूँ। आप करना चाहो तो यहाँ पे नीचे आप इसे यानी क्लोज वगैरह कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे ओपन फोल्डर, और यहाँ पे आप अपने फोल्डर में आओ, यहाँ पे आपने की थी जी में, और जी के अंदर रिएक्ट ऐप, और रिएक्ट के अंदर ऐप के अंदर माई ऐप, इस फोल्डर को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक कर लेना। अब ये आपके पास इस फोल्डर की ऐप्स जो है वो ओपन होगी, यहाँ पे आप जस्ट आई ट्रस्टेड, और बस इसको कर दो। अभी आपके पास सारी फाइल्स आ गई। अब आपके पास ये जितनी भी फाइल्स आ रही हैं, अब इनमें से कौन सी रखनी है वो आपको नेक्स्ट जो वीडियो के उसमें मैं आपको इसके फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊंगा। अब इसमें ये आपके पास SRC में app.js, app.css, app.js, apptest.js, index.css, index.js, और पब्लिक में आपके पास index.html, और ये लोगो एटसेट्रा, ये आपके पास चीज़ें आ रही हैं। तो सिंपली मैं आपको यहाँ इसका ये आप साथ में लाइव प्रीव्यू है। अब इसका बेस्ट मेथड ये है कि साथ में ये आपका लाइव सर्वर रहता है, वो इसलिए कि हम यानी इस तरह से जब हम कोई भी इसमें चेंजिंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पे उसको लाइव रीलोड कर देता है। तो मैं इसमें इंडेक्स डॉट ये आप GS आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसमें कोई चीज़ और यानी प्रिंट आउट करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बल्कि इसमें हम कोई ना कोई एरर जो है वो यानी कर देते हैं। तो एरर में मैं यहाँ पे ऐप यूज़ हो रहा है, तो मैं ऐप को यहाँ पे कर देता हूँ ख़त्म यहाँ पे, और इसको करूँगा सेव। सेव किया, और इसको यहाँ भी रीलोड करेगा, थोड़ा माउस रीलोड हो रहा है, इसमें यहाँ से करते हैं। अभी आपके पास ये कोई चीज़ भी शो नहीं हो रहा, आप ऐप को यहाँ पे हम करेंगे, तो
बस ये ना रीलोड इसका होता है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा एरर कर रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं। बाकी आपने यहाँ तक इसको एक दफ़ा कर लेना, यहाँ पे आपके पास ये लोगो आ जाएगा, तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका फोल्डर स्ट्रक्चर बताता हूँ, और मैं बताता हूँ कि आप इसमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है किस तरह से यानी डिफाइन कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड जो है हम किस तरह से शो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।